you. नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत यूज ब्यूरो हेड सनोवर खान, संपादक अरुण वर्मा। गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 93 लीटर विदेशी शराब बरामद। सनोवर खान ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजीत कुमार की रिपोर्ट। पटना सिटी खाजेकला थाने की पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खाजेकला थाना प्रभारी मौसूनी सनोवर खाने बंद उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 93 लीटर विदेशी शराब सहित 3 महिलाएं बंद, 2 पुरुष, 1 धर्मशीला देवी, 2 सीता देवी, 3 सोनी देवी, 4 मनोज कुमार अकेला, 5 सुजीत कुमार धंधेबाज को खाजेकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाल टोली से गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब रॉयल स्टेज 33 बोतल 375 मिलीलीटर, 2 इंपीरियल ब्लू 138 बोतल 180 मिलीलीटर, 3 रॉयल चैलेंज 34 बोतल, 4 टेट्रापैक 163 पैकेट 180 मिलीलीटर है। दूसरी और साथ ही साथ खाजेकला पुलिस ने छापेमारी के दौरान पूर्व से चल रहे कांड संख्या 304 19 रिंकू उर्फ शाहिद की हत्या मामले में बातचीत सुभाष यादव को भी लाल टोली से गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि खाजेकला पुलिस के लगातार छापेमारी से दबिश में आकर कांड संख्या 265 19 राशिद हत्याकांड में मुर्शू ने टिंकू पिता मनौली में पता मौलासाई की बाग ने सिलेंडर किया है। 3 महिला और 2 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं और 5ों के घर से अलग अलग छापामारी में 72.370 विदेशी शराब विभिन्न ब्रांडों के बरामद हुए, जैसे आरएस जो है रॉयल स्टैग 33 बोतल, इंपीरियल ब्लू 138 बोतल, आरसी 34 बोतल और टीपी जो है 163 बोतल बरामद किया गया। साथ ही साथ एक कुख्यात अपराधकर्मी सुभाष यादव, जो रवि उर्फ शाहिद की हत्या में वांछित था, उसे भी आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। छापामारी के क्रम में छापामारी और दबिश के कारण राशिद हत्या का एक और अभियुक्त टिंकू मौलासा के बाग से आत्मसमर्पण न्यायालय में किए हैं। आपको क्या लगता है सर, जो शराब बरामद किया गया है तो ये शराब माफिया है या शुरू से शराब बेचते हैं? ये शराब जो है बेचते हैं और रखते भी हैं और दूसरी जगह से शराब माफिया से शराब लाते हैं। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें।